चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सारे दर्शकों का फास्ट न्यूज़ से स्वागत है। करदे हां खबरों का आगाज कुछ अहम खबरों के नाल। रुजगार के सिलसिले च आबू धाबी की एक प्राइवेट कंपनी स्क्वेयर जनरल कैंटरिंग च काम करन गए, 100 पंजाबी उत्थे फस गए ने क्योंकि उत्थे उन्हां दा कंट्रैक्ट कैंसल करके उन्हां नूं काम तो हटा दिता गया ते उन्हां दे पासपोर्ट भी वापस नहीं दिते जा रहे। इस मामले च अज पंजाब कैबिनेट मंत्री ते राज्यसभा मैंबर राघव चड्ढा ने विदेश मंत्रालय नूं चिट्ठी लिख के प्रवासी वर्करां दी मदद करन दी मंग कीती है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अज हरियाणा के सूरज कुंड च 2 दिनां दा चिंतन कैंप के उद्घाटनी सैशन दौरान वड्डा बयान दिता है। उन्हें कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की ब्रांच हुण हर सूबे च स्थापित की जाएगी। उन्हें भी कहा कि साइबर अपराध, नशीले पदार्थां, सरहद पार अतवाद, देश द्रोह जिहे अपराधां नाल निजिठण लई एक सांझी योजना बनाई जा रही है। उन्हें कहा कि एजेंसी के इस समय 8 खेतरी दफ्तर जो कि हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर ते जम्मू च ने। दस दिए कि गृह मंत्री शाह तो इलावा होर सूबे मंत्री भी इस चिंतन कैंप च हिस्सा लैन पहुंचे ने। चीफ खालसा दीवान अधीन चल रही एजुकेशनल कमेटी वालों आयोजित 21वें स्टेट लैवल श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल स्पोर्ट्स टूरनामेंट 2022 की वख-वख चीफ खालसा दीवान स्कूलों च शानदार आरंभता की गई, जिस तहत श्री गुरु हरकृष्ण सीनियर सैकेंडरी स्कूल GT रोड विखे अमृतसर के मेयर साहब सरदार करमजीत सिंह रिंटू मुख मेहमान वजो पहुंचे, जिन्हों वालों रस्मी तौर पर टूरनामेंट की आरंभता का ऐलान किया गया ते आसमान विच गुब्बारे उड़ा के खेडां की शुरुआत की गई। इस मौके धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन ते स्कूल मैंबर इंचार्ज प्रोफेसर हरी सिंह वालों आए मेहमाना का स्वागत किया गया। उपरंत स्कूल शब्द गायन राय परमात्मा का ओट आसरा लै गया। प्रोग्राम दौरान विद्यार्थियों वालों सभ्याचार प्रोग्राम राही अपनी कला की पेशकारी भी की गई। उपरंत चीफ खालसा दीवान प्रबंधकों ते मैंबर साहबाना वालों होरना स्कूलों च चल रहे टूरनामेंट्स का जायजा लैन लई दौरा किया गया। श्रोमणी कमेटी वालों श्री मंजी साहब दीवान हाल श्री दरबार साहब विखे शहीदी साका श्री पंजा साहब शताब्दी संबंधी करवाया जा रहा समागम समाप्त हो गया। इस शताब्दी समागम दौरान 4 वख-वख मते भी पेश किए गए, जिन्हां विच बंदी सिंघां की रिहाई की मंग तो इलावा हरियाणा सिख गुरुद्वारा एक्ट नूं मानता देने वाला फैसला रद्द करन की मंग की गई। इस समागम विच श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार तख्त श्री केसगढ़ साहब के जथेदार तो इलावा श्रोमणी कमेटी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी, श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल, निहंग सिंह जथेबंदियों वालों जथेदार बाबा बलबीर सिंह 96 करोड़ी, संत बाबा हरनाम सिंह खालसा दमदमी टकसाल, संत बाबा सेवा सिंह खडूर साहब तो इलावा होर कई सीनियर आगू, श्रोमणी कमेटी मैंबर, अकाली लीडर ते सिख संगतां ने शमूलियत की। नगर पंचायत श्री कीर्तपुर साहब अधीन काम करते मुलाजमान वालों पिछले 3 महीनों तो तनखाह ना मिलन कारण अज नगर पंचायत श्री कीर्तपुर साहब के दफ्तर अगे बैठ के रोस धरना दिता गया, जिस विच उन्हां सूबा सरकार ते नगर पंचायत के उच्च अधिकारियों खिलाफ जम के नारेबाजी की। इस मौके उक्त मुलाजमान ने दसिया कि जो मुलाजम कॉन्ट्रैक्ट ते ने उन्हां नूं तनखाह दे दित्तियां गईयां ने ते जो मुलाजम ठेकेदार दे कोल काम करदे ने उन्हां नूं तनखाह नहीं दित्तियां गईयां, जिस करके उन्हां नूं इस वार दिवाली का त्यौहार भी मनाना नसीब नहीं होया। मुलाजमान ने मांग की कि अगर आने वाले 1 हफ्ते के विच उन्हां दीयां तनखाह ना दित्तियां गईयां तो वह पक्के तौर पर नगर पंचायत श्री कीर्तपुर साहब के दफ्तर के मुख गेट से अणमिथे समय लई धरना देने लई मजबूर होणगे। पंजाब दे स्थानक सरकारां बारे मंत्री ते आम आदमी पार्टी दे सीनियर आगू डॉक्टर इंदरबीर सिंह निज्जर ने दिल्ली दे मुख मंत्री ते आम आदमी पार्टी दे मुख अरविंद केजरीवाल वालों करंसी नोटां ते देवी लक्ष्मी ते भगवान गणेश दीयां मूर्तियां प्रकाशित करन दी मंग दा समर्थन कीता है। लुधियाणा दे इक स्कूल विच करवाए सभ्याचार प्रोग्राम विच शिरकत करन आए मंत्री ने पत्रकारां नाल गलबात करदिआं कहा कि इस विच कुछ भी गलत नहीं है, असीं भगवान गणेश ते माता लक्ष्मी की पूजा करदे हां। इस तो इलावा इंडोनेशिया जो मुस्लिम देश है उत्थे भी नोटा ते देवी देवत्यां दी तस्वीर है, तां भारत च की गलत है। पराली साड़न दी समस्या बारे उन्हें यह कहा कि सरकार वालों इस नूं रोकण लई उपराले किए जा रहे हैं ते पिछले सालों के मुकाबले इस बार पराली साड़न के घट मामले सामने आए हैं। सहकारी संभावां वालों नंगल दी ट्रक ओपरेटर गुड्स कैरियर ट्रांसपोर्ट सोसायटी नूं भंग करन दे लई सहकारी संभावां पंजाब वालों ट्रक यूनियन नंगल नूं धारा 50 दे अधीन नोटिस भेजा गया।
जिसके तहत ट्रक यूनियन जल्द भंग किया जा सकता है, जिसके विरोध च ट्रक ओपरेटर वालों सोसायटी के बाहर पिछले 7 दिनों तो धरना प्रदर्शन चल रहा है। अज धरने का 8वां दिन सी। धरने से बैठे ट्रक ओपरेटर सरकार ने 6 महीने का समा मंगया है, तो कहा है कि 6 महीने के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस सरकार के नाल गल करनगे, ते नंगल ट्रक ओपरेटर की इस सोसायटी नूं भंग नहीं होन दिता जाएगा, ते ट्रक ओपरेटर अपना धरने नूं खत्म करन दी भी गल कही गई है, जिसनों लैके ट्रक ओपरेटर वालों धरने नूं अज 8वें दिन आके खत्म कर दिता गया। फिलहाल फास्ट न्यूज़ च इन्ना ही, कुछ होर खबरां दे नाल जल्द हाजिर होवांगे। वेखदे रहो चढ़दी कला टाइम टीवी, मैनू दिओ आग्या, धन्नवाद। चढ़दी कला फास्ट न्यूज़।